अगर आपने कॉफी ऑर्डर की हो तो प्लीज उसे कैंसिल कर दीजिए। मैं मानती हूँ हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन आज तक हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, आई गेस एक बात तो आप मेरे बारे में जान गए होंगे कि मैं बहुत ही क्लियर और साफ साफ बात करने वाली लड़की हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, आज यहाँ आकर आपसे मिलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ ताई की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। और अब जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो और भी कुछ बातें हैं जो मुझे क्लियर करनी है। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो भी बातें हों वो क्लियर हों। और मेरी तरफ से क्लियर बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। एक बात बताइए, ये जो आपके दिल की बात है आपने अपनी आई से कही है? अगर नहीं कही है ना तो प्लीज कहकर देखिए, आई एम श्योर आपकी आई इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगी। वो भी यही चाहती है कि हमारी शादी ना हो। और फिर भी आप मुझसे शादी करने के लिए अड़े हुए हैं। आई अप्रिशिएट दैट बट आई एम सॉरी, मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ वर्षा, लेकिन उतनी ही इज्जत मैं अपने खुद के जज्बातों की करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। हाँ ठीक है, कल आप आ जाइए डिनर पर, और इसी बहाने आप श्रावणी को देख लेंगे, और सिद्धांत और श्रावणी दोनों एक दूसरे से मिल भी लेंगे। हाँ ठीक है, बाकी बातें आने के बाद कर लेते हैं। ओके बाय। श्रावणी भाई, कल मिस्टर दिवेकर आ रहे हैं हमारे घर डिनर के लिए। दो दिन पहले ही उनका बेटा अमेरिका से MBA करके लौटा है। बड़ा ही होनहार और समझदार लड़का है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे मिलो, एक दूसरे को समझो। अगर तुम दोनों का ये रिश्ता बनता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। बेटा, इस अतीत को भूलकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा, और इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। आई, अरे अर्जू आ गई तू? चल मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, चल चल। आई, तूने सतीश के बारे में वर्षा से बात की? लेकिन अर्जू, आई कब बात करेगी तू वर्षा से? भाई इतना अच्छा रिश्ता है, हमारी वर्षा बहुत खुश रहेगी। आई, तुझे लगता है कि वर्षा मानेगी? आई कम से कम बात करके तो देख, किसी चीज की शुरुआत तो हो। आई आई तुझे पता है आज वर्षा सतीश से मिलने भी गई थी, अब मुझे पूरा विश्वास है कि वर्षा कुछ। जरा इधर आ, बैठ, आना। सतीश के प्रपोजल के बारे में तुझे पता चल गया होगा, और आज अर्जु कह रही थी कि तुम्हारी और सतीश की मुलाकात भी हो गई, तो फिर क्या नतीजे पर पहुंची? देख, अगर तू हाँ कहती है तो फिर मैं जाकर भावना दाई से बात करती हूँ। क्या ख्याल है तेरा इस रिश्ते के बारे में? आई, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मैं इस रिश्ते के लिए ना कहकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती आई, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तू वहां से खाली हाथ ही लौटने वाली है, क्योंकि सतीश की आई इस रिश्ते के लिए गलती से भी कभी तैयार नहीं होगी।
पापा सारे काम हो गए और सारे पेपर्स इसमें सचिन के डेथ सर्टिफिकेट भी इसमें। अरे मानो इसमें डेथ सर्टिफिकेट नहीं है क्या? अरे मैंने श्रावणी तुम क्या हुआ? मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। इस यकीन के साथ कि मुझे इस घर में आश्रय मिलेगा। मिलेगा ना? शामिल तुम मेरे साथ में एक मिनट। बैठो यहाँ पे आराम से बैठो। अब बताओ क्या हुआ? अचानक से इतना बड़ा फैसला ले क्यों श्रावणी? मैंने कहा ना मैं हमेशा के लिए इस घर में रहना चाहती। अरे ये मुमकिन नहीं है श्रावणी। देखो मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ लेकिन जज्बात में आके हमेशा गलत फैसले किए जाते हैं। और अब तो सचिन भी नहीं है, अब इस घर में कैसे रहोगे तुम? लेकिन नहीं, मेरी बात समझो। देख सचिन को बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। कहते वक्त मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा। है, मेरा इस घर से बहुत गहरा रिश्ता है। सचिन चला गया है लेकिन वो हमारे प्यार की निशानी मेरे पास छोड़ कर गया है। मतलब मैं सचिन के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा जन्म ले। और इस परिवार का हिस्सा बनकर रहे। और इसके लिए मुझे आप सबके सहारे की जरूरत है। अगर आप लोगों ने मना कर दिया तो मेरे पापा जबरदस्ती मुझे बच्चा गिराने के लिए मजबूर कर देंगे और मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए मैं अपनी जान दे दूंगी। श्रावणी बेटा। बाबा मैं जानती हूँ भले ही सचिन आज हमारी जिंदगी में नहीं लेकिन आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ। नहीं भुला सकती मैं उसे, उसके उसके निशानी के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी निकाल लूंगी। बस मुझे आप सबकी मदद चाहिए और कुछ नहीं। बंधु बेटा क्या करें, कैसा समझाई श्रावणी को?
मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन इसमें रावणी की गलती के साथ साथ अपने सचिन की भी गलती है। माना कि गलती हमारी है, लेकिन अपनी गलती का जिम्मा उठाने के लिए मेरा सचिन है का? देखो, हम में से कोई भी इस मामले में कोई फैसला नहीं कर सकता। जो भी तय करना है गिरीश जी तय करेंगे। आटा बहुत अच्छे से गूंथ लेती हूँ। आई, आपकी विनोद से कुछ बात हुई? तुम्हें पता है मंजू, आटा गूंथना भी एक कला है। पानी, तेल और आटा, चार अलग अलग स्वभाव की चीजों को एक साथ मिलाओ और फिर एक रूप देकर उसकी रोटी बनाओ। ये उतना ही मुश्किल है जितना एक परिवार के 10 लोगों को बांध कर रखना। तुम समझदार हो, इसलिए तुम्हें और समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे विनोद ने बता दिया तुम्हारे अलग होने के बारे में। अरे नहीं आई, हम घर से अलग नहीं हो रहे हैं। अपने घर की चौखट लांघकर दूसरा घर बसाना अलग होना ही होता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ शुरू से ही तुम्हें इस घर के साथ एडजस्ट होने में तकलीफ है। शायद इसमें हमारी भी गलती है। नहीं आई, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी ही बात है मंजू, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अलग होने की नौबत ही नहीं आती। मुझे सिर्फ एक बात बताओ मंजू, कि ऐसा कौन सा घर है जिसमें मन मकान नहीं होता, झगड़े नहीं होते, लेकिन वो झगड़े प्यार पर हावी हो जाए, ये कोई बात नहीं ना। सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन जो दुख में और मुश्किल की घड़ी में साथ देना, वही सच्चा रिश्ता होता है। और जो मुश्किलों से डरकर भाग निकले, वो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, विनोद और तुम समझदार हो, तुम दोनों जो फैसला करोगे हमें कोई एतराज नहीं। अर्जुन, आज मैं भावना दाई से मिलने के लिए जा रही हूँ, सतीश और वर्षा के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। आई, मैं बोल रही हूँ। वो मेरे और विनोद के अलग होने की बात पर आई ने हमें बहुत कुछ सुनाया। हाँ, ये तो होना ही था, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। अरे से बात तो बाहर आ गई। हाँ आई, वो तो ठीक है। अरे तुझे पता है, आज आई जा रही है सतीश के घर पर वर्षा का रिश्ता लेकर। क्या कह रही है, वर्षा मान गई? लग तो ऐसे ही रहा है कि मैडम जी मान गई है। पता नहीं उनका अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। इतना तो तय है कि आई वहाँ पर जा जरूर रही है। मुझे तो लगता है सतीश की आई के पास में सतीश के प्यार की आज पेशी है। अरे ये तो बड़ी सॉलिड न्यूज है। सही वक्त पर सही खबर सुनाई तूने। मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ, चल बाय। बाय। आइए ना, आइए आइए, बैठिए। कहिए क्या लेंगी आप, चाय, कॉफी, ठंडा? कुछ नहीं ताई। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं ताई, सतीश ने जिद पकड़ ली है कि वो वर्षा को चाहता है और वर्षा से शादी करेगा, और कह रहा है कि अगर उसकी शादी वर्षा से नहीं हुई तो वो शादी ही नहीं करेगा। वर्षा यानी वो अर्चना की बहन? अरे क्या हो गया है सतीश को, वो वर्षा को कैसे पसंद कर सकता है? इतना भला सीधा साधा लड़का है सतीश, अरे वर्षा से उसकी कैसे निभेगी? और बातें छोड़िए, लेकिन
वर्षा जब घर छोड़कर गई थी तो बाहर न जाने क्या क्या ऐसा ऐसा सुनने में आया है। अब ये सारी बातें कैसे समझाऊं मैं सतीश को? उसने तो बस बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। लेकिन ताई, मैं वर्षा को अपने घर की बहू नहीं बना सकती, बस। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है आप। अरे आप क्या, कोई भी माँ अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहेगी। एक नंबर की एरोगेंट टाइप है वो। अरे हमारी मंजू का तो जीना ही हराम कर दिया है उसने। समझती हूँ ताई, लेकिन बात तो एक ही जगह आके रुक जाती है, सतीश का क्या? सुना क्या तूने? वो सचिन की मंगेतर है ना श्रावणी, वो पूरा सामान वामान लेकर यहाँ मानव के घर आई है रहने के लिए। अरे सुना तो मैंने भी है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, सचिन के मरने के बाद वो यहाँ रहकर करेगी क्या? सचिन हाँ। की विधवा तो है नहीं वो। हाँ तू तो बात सही कह रही है, मुझे लगता है मामला कुछ गड़बड़ है, कोई न कोई बात तो जरूर है। हाँ पर लेकिन क्या बात है? वही तो मालूम नहीं है, और सविता ताई जिस हालत से गुजर रही हैं, उन्हें जाकर पूछना भी ठीक नहीं लगता मुझे। हाँ, ये तो सच है। जबरदस्ती मुझे बच्चा गिराने के लिए मजबूर कर दो, और अगर ऐसा हो मैं अपनी जान दे दूंगी। श्रावणी बेटा, संभालो अपने आप को, लेकिन मुझे एक बात बता, ये सब कैसे? हमारा प्यार सच्चा था ही, और शादी भी तो। हाँ बेटा, लेकिन ये बच्चा नहीं आई, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। बच्चे के रूप में मेरा सचिन मेरे पास वापस आ रहा है, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना आई, मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए ना। पता नहीं सतीश ने आपसे बात की है या नहीं, लेकिन सतीश अर्चना को कह रहा था कि वो वर्षा को पसंद करता है और उसके साथ शादी भी करना चाहता है, और वर्षा भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपकी मर्जी भी जानी। सुनने में ये सब आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्योंकि पहले हम सतीश और अर्चना के रिश्ते की बात कर रहे थे और अब सतीश और वर्षा के रिश्ते की बात। लेकिन सच बताऊं तो पहल सतीश ने की, इसलिए मेरी यहाँ आने की हिम्मत हुई। अब फैसला आपका है। ताई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्षा भी आप ही के संस्कारों में पली पड़ी है। जो गुण अर्चना में है वही गुण वर्षा में होंगे, जाहिर सी बात है। वर्षा हमारे घर की बहू बनेगी, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। वर्षा के अतीत के बारे में आपको कोई? नहीं ताई, वर्षा के अतीत को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्षा थोड़ी नादान है लेकिन दिल की बहुत भली है, और वैसे भी वर्षा सतीश की पसंद है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। लेकिन ताई एक प्रॉब्लम है।
अगर आप उसका तोड़ निकाल सके तो बताइए ना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसको सुलझाने की। आप तो जानती हैं ताई, हम यहाँ मुंबई में सेटल्ड हैं, लेकिन हमारा परिवार, सारे रिश्तेदार सब गांव में रहते हैं। कोई भी फैसला हम उसे पूछे बगैर नहीं करते। उन्हें जब अर्चना के बारे में पता चलेगा तो। अर्चना के बारे में मैं कुछ समझी नहीं ताई। अर्चना अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में रह रही है। वो ऐसे घर में रिश्ता जोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। लेकिन एक रास्ता है, अगर मानव और अर्चना एक हो जाएं तो। वैसे भी अर्चना ने खुद ये कहा है कि वो अब भी मानव से प्यार करती है। अगर वो फिर से एक बार कोशिश करती है तो उसका घर भी बस जाएगा और ये रिश्ता भी छूट जाएगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो चलो जी। रसिका ताई, भावना बोल रही हूँ। हाँ भावना ताई, कहिए। आपका आइडिया काम आ गया ताई। मैंने सुलोचना ताई से बिल्कुल वही कहा जो आपने कहा था, पर उसका असर ये बिल्कुल वैसा हुआ है जैसा हमने सोचा था। अब ना तो अर्चना उस घर जाएगी और ना वर्षा इस घर आएगी। मैंने कहा था ना, हर चीज का हल होता है, सिर्फ सही तरीके से सोचना चाहिए। नो, मानव, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि आज मैं सुन नहीं पाऊंगा। जो सब हुआ है ये बहुत गलत है और इसके लिए सचिन भी उतना ही जिम्मेदार है जितने की श्राम। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली सचिन तो हमारे बीच में है नहीं, ना तो उससे मैं कुछ सवाल कर सकता हूं और ना उससे कोई उम्मीद कर सकता हूं कि अपनी सफाई दे। लेकिन श्रावणी का पिता होने के नाते इसके भविष्य की चिंता, इसके इज्जत की फिक्र है मुझे। पापा, पापा, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। नो! ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। तो चलो यहां से, बाकी बातें खत्म। आ गई, अब क्या बात हुई वहां पर, क्या कहा सती जी की आई ने? उन्हें यह रिश्ता मंजूर है। आई तो इतनी अच्छी खबर सुना रही है, लेकिन तेरे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? कोई और बात है क्या आई? मुझे बता क्या हुआ। उन्होंने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त आई? वो कह रही थी कि ये रिश्ता तभी बन सकता है अगर तुम्हारे और मानव के बीच में सुलह हो जाए और तू वापस उसके घर रहने के लिए चली जाए। ताई और जीजू के बीच की प्रॉब्लम्स खत्म हो ये तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मेरा रिश्ता और इन दोनों में सुलह, इन दो चीजों का आपस में क्या कनेक्शन है? और सतीश जी की आई क्यों चाहती है कि ताई वापस चली जाए? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अर्चु, उनके घर में कुछ बुजुर्ग रिश्तेदार ऐसे हैं जो पुराने ख्याल हैं तुमके। अगर उन्हें पता चलेगा कि वर्षा की बहन का तलाक हुआ है और वो अपने मायके में रह रही है तो वो वर्षा को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
इसलिए भावना दे कह रही थी कि उनके लिए हमें आई, लेकिन ये नामुमकिन है। मैं जानती हूँ अर्जुन, इसीलिए तो इस रिश्ते के बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। भाई देख अर्जुन, वर्षा के लिए तो बहुत सारे रिश्ते आएंगे और हमें उसके लिए इस तरह के समझौते करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि उनकी भी कोई मजबूरी होगी, लेकिन अर्जुन मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी मजबूरी उनसे कहीं ज्यादा है। सर वो श्रावणी अपना बैग घर पे छोड़ाई थी तो सर एक और बात करनी थी आपसे। अंदर आओ मैम। सर मैं मानता हूँ कि सचिन और श्रावणी से बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, लेकिन सर अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो सर इन दोनों को क्या पता था कि इनकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आ जाएंगे। सर मैं इनकी गलती का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि श्रावणी पे इस तरीके से दबाव डाल के कुछ हासिल नहीं होगा। सर तुम्हें क्या लगता है मारा मैं उसका दुश्मन हूँ? नहीं सर, मैं मुझे अच्छा लगता है उसके साथ जबरदस्ती करते हुए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मानव तुम बताओ उस बच्चे के साथ श्रावणी का क्या भविष्य हो सकता है? सिवाय जिल्लत और दुख के वो बच्चा उसे कुछ नहीं देगा। मैं समझ सकता हूँ सर। तुम कुछ नहीं समझ सकते। अगर समझ सकते तो मुझ पर और आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करते। मेरी जगह एक बाप की जगह आकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी तकलीफ होती है। अब श्रावणी की जिंदगी बर्बादी के कगार पे खड़ी है। कौन शादी करेगा उससे? मैं पूछता हूँ कौन अपनाएगा उसे? मानव कौन सहारा देगा उसे? तुम करोगे उससे शादी?